विवेचना में आज जब कुवैत से 170,000 लोगों को सुरक्षित भारत लाया गया। अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फजल का। 2 अगस्त 1990 को विदेश मंत्री इंदर कुमार गुजराल फिलीपींस के विदेश मंत्री अमारकम मंगलदास के सम्मान में दिन का भोज दे रहे थे कि कुवैत में भारत के राजदूत एके बुद्धिराजा का फोन आया कि इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया है। उसी दिन कुवैत के शासक शेख अल जबर अल सबाह ने भागकर सऊदी अरब में शरण ले ली। तुरंत ही सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई गई जहां अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ने एक मत से इराक के इस हमले की निंदा की। उस समय कुवैत में करीब 2 लाख भारतीय रह रहे थे। क्योंकि उन लोगों से सारा संपर्क टूट गया था, भारत में रहने वाले उनके परिवारजन बहुत परेशान हो गए। तुरंत ही राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक बुलाई गई जहां विदेश मंत्री इंदर कुमार गुजराल ने सुझाव दिया कि वो तुरंत मॉस्को, वॉशिंगटन, अम्मान और बगदाद की यात्रा पर जाएं। उनके पास 2 विकल्प थे। नंबर 1 कि वो अमेरिका को मनाएं कि वो कुवैत पर हमला न करे ताकि वहां रह रहे भारतीय सुरक्षित रहें। दूसरे, वो इराक को मनाएं कि वो कुवैत में रह रहे भारतीय लोगों को भारत सुरक्षित लाने में मदद करे। गुजराल का अमेरिका मिशन फेल हो गया। अमेरिकियों ने गुजराल के अनुरोध को मानने से इनकार कर दिया। मॉस्को, वॉशिंगटन और अम्मान होते हुए गुजराल 19 अगस्त की तड़के सुबह बगदाद पहुंचे। वो सबसे पहले भारतीय दूतावास गए जहां कुवैत से भाग कर आए करीब 100 भारतीय पहुंचे हुए थे। 21 अगस्त की सुबह गुजराल को राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन का संदेश मिला कि वो उनसे तुरंत मिलना चाहते हैं। इंदर कुमार गुजराल अपनी आत्मकथा मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन एंड ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं। सद्दाम हुसैन ने खाकी वर्दी पहनी हुई थी और उनकी कमर पर पिस्टल लटक रही थी। मुझे देखते ही उन्होंने मुझे गले लगा लिया। ये तस्वीर दुनिया भर के अखबारों में छपी और इससे हमारी स्थिति थोड़ी विचित्र हो गई, क्योंकि इससे संदेश गया कि जिस सद्दाम हुसैन की पूरी दुनिया में निंदा हो रही थी उसको भारत का विदेश मंत्री गले लगा रहा था। बातचीत के दौरान सद्दाम ने मुझे बताया कि अगर उन पर हमला किया गया तो वो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। उनकी नज़र में सोवियत संघ में अब वो ताकत नहीं रह गई थी जो एक जमाने में हुआ करती थी। थोड़ी देर बाद मैं विदेश मंत्री तारिक अजीज से मिला और हमने कुवैत और इराक से भारतीय लोगों को वापस लाने की योजना को अंतिम रूप दिया। बाद में उस समय संयुक्त सचिव खाड़ी देश और बाद में कई देशों में भारत के राजदूत बने केपी फेबियन ने फॉरेन अफेयर्स जनरल को दिए इंटरव्यू में यह कहकर गुजराल का बचाव किया, अगर किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष आपको गले लगाना चाहें तो आप डक तो नहीं कर सकते। गुजराल का सद्दाम के गले लगना गलत हो या सही, लेकिन सद्दाम वहां फंसे भारतीयों को अपने देश भिजवाने में मदद करने के लिए राजी हो गए। लेकिन भारत को इसके लिए बड़े धर्म संकट से भी गुजरना पड़ा। उसके अधिकतर अरब दोस्तों ने इस हमले की कड़ी निंदा की। उस समय संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि चिन्मय गरे खान बताते हैं, मैंने भी सरकार को सलाह दी कि पूरे विश्व की तरह हमें भी सद्दाम हुसैन के इस हमले की निंदा करनी चाहिए, लेकिन मेरी सलाह नहीं मानी गई। भारत ने सिर्फ इस हमले पर दुख प्रकट किया। मुझे याद है जब उस समय के विदेश मंत्री इंदर कुमार गुजराल न्यूयॉर्क आए तो उन्होंने कुवैत के निर्वासित विदेश मंत्री शेख सबा अल अहमद से कहा कि हम 101% कुवैत के साथ हैं। इस पर कुवैती विदेश मंत्री ने तंज किया, एक्सीलेंसी आपका 100% समर्थन भी चलेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि भारत जैसा महान देश इस हमले की निंदा तो करे। बाईस अगस्त की दोपहर गुजराल बगदाद से कुवैत पहुंचे। जब वो भारतीय मिशन के पास पहुंचे तो वहां पहले से ही करीब 1,000 भारतीय जमा थे। वहां पर कोई ऊंची जगह नहीं थी, इसलिए गुजराल ने अपनी कार की छत पर खड़े होकर उन्हें संबोधित किया। जैसे ही उन्हें पता चला कि गुजराल उन्हें वापस भारत ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने भारत माता की जय के नारे लगाने शुरू कर दिए।
गुजराल 23 अगस्त को रात 9 बजे दिल्ली के लिए रवाना हुए। उनके विमान में करीब 150 लोग उनके साथ बैठकर आए, जिनमें अधिकतर गर्भवती महिलाएं और बच्चे थे। गुजराल अपने साथ पत्रों का एक बहुत बड़ा बैग भी लाए, जो कुवैत में रहने वाले भारतीयों ने भारत में रहने वाले अपने रिश्तेदारों के लिए दिए थे। मंत्रिमंडल ने पहले तय किया कि वो भारतीय लोगों को वापस लाने के लिए इराक में एक समुद्री जहाज भेजेगा, लेकिन इराक ने भारतीय जहाज टीपू सुल्तान को वहां जाने की अनुमति नहीं दी। जब ये तय हुआ कि भारतीय लोगों को लाने के लिए भारतीय वायुसेना के विमान भेजे जाएंगे, तो इराक ने उसकी भी अनुमति नहीं दी। उसकी शर्त थी कि भारतीय विमानों को तभी इराक में घुसने दिया जाएगा जब वो अपने साथ खाद्य सामग्री भरकर इराक आए। तब तक इराक पर पूरी दुनिया ने आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे, इसलिए वहां खाद्य सामग्री ले जाने का सवाल ही नहीं उठता था। शुरू में लगा कि शायद इन लोगों को कुवैत से निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन धीरे धीरे वहां हालात बिगड़ने लगे। 1980 से कुवैत में रह रहे एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के क्षेत्रीय प्रबंधक एग्नेल रेवेलो ने बताया, इराकी सैनिकों का हमारे प्रति व्यवहार अच्छा था, लेकिन वहां रह रहे कुछ फिलिस्तीनी लोगों ने लूटपाट शुरू कर दी। एक बार एक व्यक्ति ने मेरे सिर पर पिस्तौल लगाकर मुझे अपनी कार देने के लिए कहा। वो तो सौभाग्य से मैंने कार के कुछ पुर्जे निकाल लिए थे, जिसकी वजह से वो कार स्टार्ट ही नहीं कर पाया। आखिर में भारतीयों को कुवैत से निकालने के लिए एयर इंडिया का सहारा लिया गया। सवाल उठा कि इतने अधिक लोगों को लाने के लिए विमान कहां से लाए जाए। फरवरी 1990 में एक A320 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसकी वजह से नए खरीदे गए A320 विमानों का पूरा बेड़ा ग्राउंडेड कर दिया गया था। इन विमानों की खरीद पर एक बहुत बड़ा राजनीतिक विवाद भी खड़ा हो गया था। एयर इंडिया ने इन खड़े हुए विमानों को भारतीय लोगों को कुवैत से बाहर निकालने में लगाया। इस पूरे मिशन के समन्वय की जिम्मेदारी दी गई थी विदेश मंत्रालय में खाड़ी देशों के संयुक्त सचिव केपी फेबियन को। बाद में उन्होंने इकोनॉमिक टाइम्स में लिखा, मेरे पास 2 अगस्त को कुवैत के सबसे अमीर भारतीय स्वर्गीय केटीबी मेनन का लंदन से फोन आया। उन्होंने कहा कि वो हर भारतीय को कुवैत से बाहर निकालने का खर्चा देने के लिए तैयार हैं। मैंने उनका धन्यवाद किया, लेकिन ये भी कहा कि अगर लोगों को वहां से निकालना जरूरी हुआ तो उसका खर्चा भारत सरकार उठाएगी। अगर हालात मुश्किल होते हैं तो हम आपकी पेशकश पर विचार करेंगे। हर दिन अम्मान में एयर इंडिया के मैनेजर मुझे फोन करके बताते कि अगले दिन कितने लोगों को वहां से निकाला जाना है। मैं नागरिक उड्डयन सचिव एवी गणेशन को फोन करता और जरूरत के हिसाब से एयर इंडिया के विमान अम्मान के लिए रवाना किए जाते। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के आर्थिक प्रतिबंधों के कारण कोई भी असैनिक विमान इराक और कुवैत में नहीं उतर सकता था, इसलिए उनको बसों में लादकर पहले इराक और फिर वहां से जॉर्डन की राजधानी अम्मान पहुंचाया गया। उनको अम्मान तक पहुंचाना आसान काम नहीं था। अव्वल तो लोग अपनी जिंदगी भर की कमाई छोड़कर वापस भारत आने के लिए तैयार नहीं थे। दूसरे, वहां रहने वाले बहुत से लोगों के पास वैध यात्रा कागजात नहीं थे। उन्होंने अपने पासपोर्ट अपने मालिकों के पास जमा कर रखे थे। उनमें से बहुत से लोग या तो गायब थे या मर गए थे। मशहूर पत्रकार सलील त्रिपाठी ने इंडिया टुडे के 15 सितंबर 1990 के अंक में लिखा, करीब 1,65,000 भारतीय अब भी कुवैत और इराक में फंसे हुए हैं, पूरी दुनिया से कटे हुए। उनकी जिंदगी भर की कमाई सिफर हो गई है, क्योंकि इराक ने कुवैत के दिनार का 12 गुना अवमूल्यन कर उसे इराक के दिनार के बराबर कर दिया है। उन्होंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है, उनके बालों में धूल जमी है, उनके गले सूखे हुए हैं और उनकी आवाज़ कर्कश हो चुकी है। रातों रात अम्मान में एक खूबसूरत पहाड़ी पर स्थित भारतीय दूतावास एक रेलवे प्लेटफॉर्म जैसा बन गया है। भारतीय दूतावास के फर्स्ट सेक्रेटरी अरुण गोयल कहते हैं, ये कुंभ मेले का इंतजाम करने जैसा है, और वो भी बिना किसी संसाधन के। एयर इंडिया का एक चालक दल कुवैत में फंसा हुआ था। वहां लैंड करने के बाद उन्हें वहां से वापस उड़ने नहीं दिया गया था।
एयर इंडिया के पायलट और दूसरे कर्मचारी सरकार पर जोर डाल रहे थे कि अगर उनके साथी सुरक्षित वापस नहीं आते हैं तो वो विमान नहीं उड़ाएंगे। बहुत से भारतीय लोगों ने अम्मान के कई स्कूलों और दूसरी इमारतों में शरण ले रखी थी। ये बताना मुश्किल था कि इनमें से कितने लोग किस समय हवाई अड्डे पहुंचेंगे, जिसकी वजह से कई फ्लाइट्स के उड़ने में देरी हो रही थी। कुवैत में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के कर्मचारी भी फंसे हुए थे। उन्होंने भारत सरकार से अनुरोध किया कि उन्हें मानवता के नाते भारतीय विमान से बाहर निकाला जाए। एयर इंडिया के विमान उन्हें भी सुरक्षित निकाल कर लाए। कुवैत से अपने नागरिकों को एयरलिफ्ट करने वाला भारत पहला देश था। पाकिस्तान और मिस्र से भी पहले एयर इंडिया के विमान वहां पहुंच चुके थे। भारत के विदेश मंत्री इंदर कुमार गुजराल पहले मंत्री थे जिन्हें कुवैत जाने की अनुमति दी गई थी। उस समय भारत में जनता दल के कमजोर गठबंधन का शासन था, जिसका कम्युनिस्ट और भारतीय जनता पार्टी बाहर से समर्थन कर रहे थे। भारत की आर्थिक स्थिति को मजबूत नहीं कहा जा सकता था। एयर इंडिया का ये ऑपरेशन 14 अगस्त 1990 को शुरू हुआ और 11 अक्टूबर यानी 63 दिन चला। इस बीच एयर इंडिया के विमानों ने रोज अम्मान के लिए 4 उड़ानें भरी और कुल 170,000 भारतीय लोगों को भारत पहुंचाया। बाद में 2016 में इस अभियान पर एक फिल्म एयरलिफ्ट भी बनी और इसे लोगों को हवाई रास्ते से सुरक्षित निकालने के सबसे बड़े अभियान के रूप में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। 11 अक्टूबर को इस अभियान को समाप्त होने के एक महीने के अंदर वीपी सिंह की सरकार गिर गई। आज कुवैत में करीब 10 लाख भारतीय रहते हैं, जो वहां की जनसंख्या का 20% है। रेहान फजल, BBC दिल्ली।